आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमाधव प्रज्ञा केशव अर्जुनामने अतिवर्त जनिताय स्वस्मितानञ्च वालिने जीवदुःखे सदाय हरे नाम प्रेमदायिने नामयाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने हरिवारसभान विदेवे दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योजल प्रमाढ श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये विनतारिणे श्री रूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणे नमः गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंभ रसाम्बुजे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपायनुग्रहाय ते गौरामृत भावमिष्टं निर्दिष्टास्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पाशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवे सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दवनाला सम संवर्धने युक्ति करे सकी
कृष्ण चिरा को ले आत्मा का
जाने की बोले समर धामे ते कई नो शरण Thank you.
Thank you.
हरे कृष्ण। जो कपिलदेव संवाद, इसको कुछ पढ़ के क्या है सब रेडी करके? आप पढ़ के रहेंगे? आज सब लोग थोड़ा इस पर शब्दों हम चाहते हैं ना, एक एक कथा अगर सही हो जाएगी ना, एक एक स्कंध में एक ही कथा आएगी, एक कथा को अगर ठीक कर दिया, एक एक स्कंध उसमें, एक एक स्कंध इसको बाद में, अभी इसको बाद में, ये तृतीय स्कंध खत्म होते ही चतुर्थ स्कंध में फिर दक्ष यज्ञ भाग है। एक एक शब्द को अच्छी तरह से उसको प्रिपरेशन कर दो, एक एक कथा को जिंदगी भर के लिए बनी जाएगी। एक कथा ठीक कर दिया तो जिंदगी भर बस यही कथा आएगी, और कोई कथा आएगी। इसलिए आज सब लोग तुम चारों सब थोड़ा थोड़ा एक एक विषय पर सब थोड़ा थोड़ा बोलना, ठीक है? मैं दक्ष यज्ञ का थोड़ी सी कथा सुना देता हूँ। हाँ, ये चतुर्थ स्कंध है, अभी तृतीय स्कंध समाप्त हो गया। हाँ, समाप्त हो गया क्योंकि हम लोगों ने सार सार को लिया, जो कथा रूप में जो बोलते हैं। मम ज्ञानतिमिरामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रविष्ण विष्णु पादष्टोत्तर सुत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे चतुर्थ स्कंध, जिसमें श्री मैत्रेय ऋषि श्री विदुर जी को प्रश्न, विदुर जी मैत्रेय को प्रश्न करते हैं, कहते इनका प्रश्न क्या है। कभी जो शंकर जी, कभी ये चराचर गुरु है, शंकर जी ये आदि गुरु, क्योंकि ये विष्णु स्वामी संप्रदाय का ये कौन है, कभी ये शंकर जी प्रवर्तक, प्रवर्तक है विष्णु स्वामी संप्रदाय का, शंकर जी प्रवर्तक है। इसलिए जो जगत गुरु श्री शंकर जी है, शंकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसलिए वैष्णव नाम यथा संभो है। इसलिए चार अचर ये सबका गुरु श्री शंकर जी। कहते ये फिर ये शंकर जी कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी है, योगी योगी महायोगी देवदेव महादेव शंकर जी। इसलिए जिनके हृदय में, क्योंकि ये उत्तम वैष्णव है, उत्तम वैष्णव का लक्षण क्या है, कहते सर्वभूतेषु जो पश्येत भगवत भावात्मा। इसलिए सबका हृदय में, जो शरीर को नहीं देख करके सभी का हृदय में जो परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हुए, उन्हें
भगवान को सभी का हृदय में भगवत दर्शन करते हैं और भगवान का हृदय में जगत को दर्शन करते हैं, ये जो श्रेष्ठ वैष्णव है। इसलिए जिनके हृदय में कोई शत्रुता कोई हृदय में नहीं है, फिर शंकर जी हर समय शांत मूर्ति, आप कहीं भी शंकर जी को मूर्ति देखो, देखो शंकर जी एकदम शांत रूप में एकदम ध्यान में बैठ करके प्रभु का चिंतन करते हुए शंकर जी दिखते हैं। इसलिए कहते शंकर जी, इनको परमात्मा भी शंकर जी को बताया गया है और विशेष करके इनकी भगवान वासुदेव में इनकी रति विशिष्ट, भगवान के चरण में भगवान के सबसे परम भक्त हैं, यही हनुमान रूप में आते हैं, अद्वैताचार्य रूप में सब लीला में यही पुष्टि करते हैं। इसलिए इनका प्रश्न है, हाँ विदुर जी का प्रश्न है मैत्री को, फिर ये दक्ष शंकर जी का प्रति द्वेष क्यों किया, शंकर जी को प्रति ये दक्ष ने द्वेष क्यों किया है, हैं? फिर उसको पहले उन्होंने बताए हैं, बताए उन्होंने ये बताए, कहते ये दामाद और ससुर में लड़ाई हुई, लड़ाई होने पर कहते ये जो सती ये युवती अवस्था में ही हैं, अभी जवान युवती अवस्था में उसने अपना प्राण त्याग किया, जब प्राण त्याग किया तब प्रश्न कर रहे शंकर तो ऐसे हैं, हैं? झगड़ा कब होता है, कोई झगड़ा जब झगड़ा करने वाले कुछ कुछ लोग कहते ना टांग अड़ा करके बिना कारण से झगड़ा करते हैं, लेकिन शंकर तो परम वैष्णव जो भक्त होते हैं जिससे तो झगड़ा मोलना नहीं चाहते, वो चाहते भैया भगवान की भजन करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। जब उन्होंने ये प्रश्न किए, ये प्रश्न सुनते ही कहते श्री मैत्रेय ऋषि ने प्रत्यक्ष कहते हैं ये कि ये ससुर दामाद में लड़ाई हुआ, लड़ाई होने पर सती ने प्राण त्याग किया है। बोले कैसे, बोले जिस समय ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को प्रजापति पद में नियुक्त कर दिया, कहते प्रभुता पाई, देखो ये चीज को अच्छे तरह से याद रखो, प्रभुता पाई कामदनाई, कामदनाई मतलब क्या, जगत में ऐसे कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जिसको कोई पद मिल गया कोई पोस्ट मिल गया जिसको अंदर में यह अभिमान नहीं है। इसलिए इस विषय पर हर समय हमें स्मरण रखनी चाहिए। इसलिए कभी कभी गुरु वैष्णव हम लोगों को थोड़ी थोड़ी गुण देख करके हमें प्रशंसा कर देते हैं, हैं? प्रशंसा कर देते हैं, नहीं तो कभी कभी हमें कोई थोड़ा ऊंचा पोस्ट दे देते हैं, दे देने पर हमारे अंदर में अभिमान कभी नहीं आनी चाहिए, हर समय ये चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फिर तो तभी हम ऊपर ऊपर में बढ़ सकते हैं, नहीं तो कभी कभी क्या होता है थोड़ी सी इज्जत प्रतिष्ठा मिल गया फिर दूसरों को असम्मान करना शुरू कर देते हैं, अरे ये क्या जानता है, हम इतने बड़े हम इतना ज्ञाता हम इतना जानते ये क्या जानता है, कभी कभी ये सब चीज आ जाती है और ऐसे आ करके कभी कभी गुरु वैष्णव को कभी कभी अपमान कर देते हैं। इसलिए हमारे को ये गुरु भाई थे, हमारे को गुरु भाई थे तो हमारे गुरुदेव ने उनको सोचा इनको ही भविष्य में हम मंदिर का आचार्य बनाएंगे, गुरुदेव ने बोले इनको आचार्य बनाएंगे, अच्छे प्रचार करते थे, हाँ अच्छे प्रचार करते थे जगत में और बड़े लिखे बड़े थे शिक्षित थे, इसलिए गुरुदेव उसको सोचे। लेकिन उन्होंने ना जब सोचा गुरुदेव मेरे को आचार्य बनाएंगे, वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के थे उससे भक्ति करने के लिए आए थे, वो सब गुण था, अभी धीरे धीरे सारे गुरु भाइयों को ना इज्जत करना उनको असम्मान करना शुरू कर दिया, हैं बोला नहीं ये क्या जाते हैं मूर्ख आदमी कुछ नहीं जानता है, हम गुरु जी हमें भविष्य में आचार्य बनाएंगे हम तो ये ही, अभी उसके अंदर में सारे गुरु भाई के प्रति जो पुराना गुरु भाई थे ना उनका प्रति भी अनादर करना शुरू कर दिया। जो अनादर करना शुरू कर दिया गुरुदेव ने देखे भैया अभी तक मंदिर कब चलेगा, जब सबको लेकर के चलोगे तभी तो मंदिर चलेगा, मंदिर तो ऐसे नहीं चल सकते हैं। उन्होंने क्या बोलते थे, सबको निकाल देंगे गेट कीपर रख देंगे मंदिर में, गेट कीपर रख करके मंदिर को हम ऐसे चलाएंगे, ये सब कोई जरूरत नहीं सब हैं, इस सब को ऐसे ऐसे उल्टा पुलटा बात बोलते थे। गुरुदेव ने तो बड़े नाराज हो गए असंतुष्ट हो गए, ये सब चीज़ को देख कर हम इसको चाहते हैं भविष्य में मंदिर का आचार्य बनाएंगे, तो सब गुरु भाइयों को अनादर करना शुरू कर दिया। फिर गुरुदेव ने कोशिश किया समझाने के लिए, लेकिन गुण कहाँ जाएगा, प्रभुता पाई
काम दे, ये प्रभु तो बड़ा गड़बड़ चीज है। इसलिए जितने बड़े होने पर भी हर समय वैष्णव के चरण में दीनहीन बनकर रहनी चाहिए, दीनहीन बनकर के चाहिए, तब जो सारा जीवन वर्ष में बीतेगा। हैं, अगर थोड़ी सी कुछ इज्जत आ गया दूसरों को निगलेक्ट करने शुरू कर दिया, अरे हम इतना जानते इतना कर, बड़े तो बड़े गड़बड़ी है। इसलिए कहते हैं उत्तम हैया करे अपना को दीनहीन, हैं, उत्तम हो करके भी दीनहीन। देखो जैसे हमारे गुरुवर्ग त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज हमारे महाराज से, हम भक्ति नारायण महाराज से पहले आए हैं, लेकिन बड़े दीनहीन रूप में अपना साधन भजन करते थे। लेकिन हमारे नारायण गोस्वामी महाराज जूनियर, सीनियर कौन है? त्रिविक्रम महाराज, गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी महाराज, हमारे नारायण सीनियर, जूनियर है वो, सीनियर है। लेकिन अगर प्रभाव में देखोगे ज़्यादा प्रभाव किसे था? हमारे गुरुदेव का। नारायण गोस्वामी प्रभाव ज़्यादा था, बड़ा प्रभाव था। इनको जब चलते थे इनको साथ में सौ सौ लोग साथ में चलते थे, हजार हजार लोग इनको पीछे पीछे चलते थे। हैं, जगत में इनके बड़े नाम, लेकिन होने पर भी हर समय उनको इज्जत देते थे। अगर कहीं आ जाएंगे तो उनको प्रणाम करेंगे, हैं, उनको प्रणाम करेंगे उनको, अब वो आते ही खड़े हो जाएंगे। जितने भी ज़्यादा दिन नहीं गुरु भाई हैं, आते ही खड़े हो जाएंगे, उनका आसन दे कर बैठेंगे। फिर जब कोई कथा समय होगा फिर उनको आगे माइक देंगे, कथा बोलने के लिए आगे माइक देंगे, हर समय प्रणाम। मतलब ये इनका प्रभाव होते हुए भी जो बड़े गुरु भाइयों को हर समय सम्मान करते थे। देखो हम जितने जिसको सबको सम्मान देंगे ना, हमें भी सम्मान मिलेगा। अगर हम किसको सम्मान नहीं देंगे हमें कभी सम्मान नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। अब अगर सबको सम्मान दोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। अब तुम किसको सम्मान ही नहीं दोगे तब तेरे को क्या सम्मान, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। इसलिए कहते प्रभुता पाई काम अदनाई। जब ब्रह्मा जी बना दिया दक्ष प्रजापति को, प्रजापति पद में बहुत बड़ा ऊंचा पद था, जब पदा दिया ना हाँ अभिमान हो गया। जब अभिमान हो गया कहते एक समय प्रयाग में कुंभ मेला आया, कुंभ मेला में सारे देवता लोग वहां पर आए थे, हैं, सारे देवता लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये दक्ष प्रजापति जान बुझ करके वो पहले नहीं आया, बाद में आया। बोले क्यों? बोले जब मैं बाद में अंदर में प्रवेश करूंगा सबके सब खड़े होकर के मेरे को सम्मान करेंगे, हैं, मेरा महिमा बढ़ेगा, आगे आ जाऊंगा तो मेरे कोई महिमा नहीं बढ़ेगा नहीं। इसलिए उन्होंने जान बुझ करके प्रतिष्ठा के लोग से उन्होंने लास्ट में जब आए, जब लास्ट में आए यहाँ पर कहते इतने तेज उसके शरीर में था, इतने प्रभाव जब प्रवेश किया उसकी तेज से पूरा स्वभाव एकदम तेज युक्त हो गया, प्रकाशशील हो गया। और प्रवेश करते ही इतने में जितने देवता लोग थे सब के सब खड़े होकर उनका सम्मान किए। लेकिन उसमें केवल दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, एक शंकर जी और एक पितामह ब्रह्मा, और वो ऐसे ऐसे देख रहा था कौन खड़े हुए कौन खड़े नहीं हुए, मेरे को देख कर कौन इज्जत करता है, कौन इज्जत नहीं, चार तरफ में ऐसे देख रहे थे। हैं, देखते देखते देखा ये दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए। बोले भैया ब्रह्मा जी मेरे पिताजी है, कोई बात नहीं कि पितामह है ना, पिताजी इनसे सृष्टि हुई है, ठीक है मेरे पिताजी। लेकिन ये शंकर जी कौन? कहते ये मेरे दामाद है, जो दामाद है बेटे के बराबर होता है। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं मेरी जो सबसे छोटी बेटी कौन, सती, सबसे सुंदर थी, मृग नयनी अद्भुत सुंदर थी। इसलिए शंकर जी कभी कभी कहते हैं पार्वती सुमुखी तो बड़ी सुंदरी देखने में, हैं, सबसे सुंदरी मृग नयनी। कहते ये पितामह ब्रह्मा बोलने पर मैंने अपना बेटी दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता था इसको मैं बेटी दूँ, लेकिन ब्रह्मा जी बोलने पर मैंने इसको बेटी प्रदान की। हैं, देखो देखो तो सही, देखो ये मेरे बेटे जैसे लगता है। सबके सब खड़े होकर सम्मान दिया और इसने मेरे को सम्मान नहीं दिया। इसको देख करके शंकर तो शंकर जी को तो उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ जो दक्ष प्रजापति कहते हैं आप लोग ये मत समझो मैं कोई ईर्षा द्वेष पूर्वक इसको कोई गाली दे रहा, ऐसे नहीं। तो एक उदाहरण दिया जैसे खेती में एक समा घास होता है ना, समा घास होता है, अगर वो बढ़ जाएगा तो जो मूल जो जो धान का पेड़ को नष्ट कर देता है, इसलिए मूल धान वृक्षों को रक्षा करने के लिए ये सामा वृक्षों को उखाड़ देना पड़ता है, तभी क्यों नहीं तो सारे रस वही खींच लेगा और एक दिन दबा देगा। इसलिए सामा घास को निकालना बड़ा जरूरत है। ये शंकर जी कैसे, ये सामा घास है,
उदाहरण समता समाधान से, इसलिए इनको उखाड़ना बड़े जरूरी है, हैं बड़े। मैं कोई ईर्ष्या द्वेष पूर्वक नहीं कहता हूँ। देखो देखो, फिर तो शंकर जी बोल, फिर तो दक्ष प्रजापति बोलना शुरू कर दिया, शंकर जी को गाली देना शुरू कर दिया। तब यहाँ प्रश्न आता है, जब दक्ष प्रजापति प्रवेश किया, फिर शंकर जी खड़े क्यों नहीं हुए? खड़े हो जाते और लगता है ससुर, लगता है तब अपना दामाद है ना, केवल खड़े होकर उनको सम्मान ही कर देते, फिर उन्हें खड़े क्यों नहीं हुआ है? उसमें दो तीन कारण पहले बताया। पहला कारण बताया, शंकर जी महाभागवत है, महाभागवत होने का नाते ये सभी के हृदय में भगवत दर्शन करते हैं, इसलिए उन्होंने दक्ष प्रजापति का हृदय में भी उन्होंने भगवान को दर्शन किया। दर्शन किया तो उनके हृदय में जो परमात्मा रूप में जो ठाकुर जी बैठे हुए, उन्होंने उनको प्रणाम किया। लेकिन ये कौन है? दक्ष। दक्ष मतलब किस चीज में दक्ष? सृष्टि में। इन्होंने सृष्टि किया ना दक्ष प्रजापति, फिर बाद में उन्होंने सृष्टि करेंगे, हाँ, जैसे उन्होंने पहले 10,000 पुत्र को सृष्टि करके उन्होंने नारद जी को पास में लिखाई पढ़ाई करने के लिए दे दिया, हैं? लेकिन नारद जी का मंत्र ऐसे नारद जी पढ़ाए ना, और सबके सबके साधु बना दिया, साधु के सब सब नारद सब के साधु बना दिया। फिर उन्होंने सृष्टि किया, सबको भी साधु बना दिए। ऐसे ऐसे उन्होंने प्रश्न किया। बाद में दक्ष प्रजापति नारद जी को अभिशाप दिया, बोले बैठी बैठी करके, हैं, बैठी बैठी कर कोई काम धंधा है नहीं, बैठी बैठी कर सब बच्चों को बिगाड़ते हो, तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, हैं, तुम कहीं भी एक मुहूर्त से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते हो, तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ। इसलिए उन्होंने नारद जी को उन्होंने अभिशाप पहले दे चुके थे, हैं। नारद जी बोले भाई बढ़िया बढ़िया हो गया, एक जगह में रहूंगा तो एक जगह व्यक्ति को बिगाड़ूंगा, अगर सब जगह में जाऊंगा तो सबको बिगाड़ना मतलब क्या है, सबको प्रभु भजन में लगाऊंगा, हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति को ये पता नहीं, कहते तुलयाम लभे ना अपि न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम किमुदा शिष्य। अगर एक मुहूर्त अगर भगवान भक्तों का संग हो जाए, एक लव, अगर संग एक लव कितना, एक सेकंड को 11 भाग करो, उसका एकवा भाग को एक लव कहते हैं। कहते हैं जीवन में इतना समय अगर जीवन में साधु संग हो जाए तो क्या होगा, जीव का कल्याण कर देने वाले। हाँ, इनके लिए तो एक मुहूर्त बहुत समय है, इनके लिए बहुत समय है। बोले जहाँ जहाँ जाऊँगा ऐसे ऐसे उपदेश दूंगा ना, है सबको मैं बाबा बना दूंगा, सबको मैं बाबा बना दूंगा। नारद तो खुश हो गए, हैं, खुश हो गए। इसलिए पहले ना इनको नारद जी के चरण में अपराध हुआ। नारद तो हर जीव को भगवान की भजन में लगाना चाहते हैं, लेकिन ये दक्ष है, दक्ष मतलब सृष्टि में दक्ष है, भक्ति में तो दक्ष नहीं। इसलिए शंकर जी का जो गुप्त भाव को, उनके हृदय में जो परमात्मा रूप में ठाकुर जी को दर्शन करके प्रणाम किया, यह चीज को उन्होंने समझ नहीं पाए, कहते ये पहला कारण है उन्होंने प्रणाम किया। दूसरा कारण क्या, कहते जो भगवान को जब तुम प्रणाम कर लेते हो, ठाकुर जी को जब तुम प्रणाम कर लेते हो, कहते ना जथा तरोर मूलम निजन त्रिप्यम तिता स्कंद भूज उप सका, जैसे पेड़ का जड़ में पानी देने पर सारे पेड़ हरा भरा रहता है, हैं? जैसे प्राण में आहार देने पर सारे इंद्रियां सतेज रहता है, क्या उसी तरह सभी का जो आराध्य जो अचूत है, जब भगवान को जब हम भक्ति कर लेते हैं, भगवान को जब प्रणाम कर लेते हैं, वह तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड अपने आप संतुष्ट हो जाता है, अलग रूप में किसको संतुष्ट करने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए उन्होंने जब भगवान को प्रणाम कर लिया, सबको तो प्रणाम हो गया, तो अलग प्रणाम करने का क्या जरूरत है, क्योंकि ये हो गया दूसरा कारण है। कि जो तीसरा कारण है, उस समय में शंकर जी भगवत चिंतन में बैठे थे, भगवत चिंतन में बैठे हुए थे शंकर जी। क्यों, हर समय शंकर जी योगी योगी महायोगी है शंकर जी, इसलिए शंकर जी योग ध्यान में प्रभु की चिंतन में अपना मन को डुबा करके चिंतन में बैठे हुए थे। इसलिए शंकर जी ध्यान की अधीन में है, ध्यान उनके अधीन में नहीं, और शंकर जी भजन के अधीन में रहते हैं, मतलब हर समय प्रभु की भजन में डूबे रहते हैं। जब वो प्रभु का भजन में डूबे हुए थे, कौन आया नहीं आया उनको थोड़ी ध्यान रहा, कौन आया नहीं आया,
हैं, वो तो प्रभु के भजन में हर्ष में मस्त रहने वाले, भोले बाबा हर्ष में भजन में मस्त रहते हैं, इसी वजह से उन्होंने प्रणाम नहीं किया। लेकिन दल के प्रजापति शंकर जी की इतने उच्चाई भाव को समझ नहीं पाए, बात शंकर जी को तो गाली गोबर में गाली देने लग गए। कत अयंतु लोक पालानम जस घुन निरपत्रप सद्धि आचरित पंथा जन स्तब्धे न दूषित। वो शंकर जी को कह रहे ये कहते देखो ये निर्लज को देखो, ये बहिया को देखो, ये यथाचित जो कर्तव्य से विमुख होकर के साधु लोगों का जो आचरित जो पंथा को ये दूषित बना। शंकर जी साधु पंथों को ये दूषित किया है, इसलिए ये जावतीय लोकपाल गण का जस को ये विनष्ट हो जाएगा है, इसको ये जो काम कर रहा है। इसलिए शंकर जी को उन्होंने गाली दिया, जो गाली दिया। अभी प्रश्न होता है शंकर तो परम वैष्णव ऐसे कैसे कर सकते हैं, शंकर जी कर ही नहीं सकते। फिर जो सुधा सरस्वती उन्होंने इनके जो गाली को उन्होंने स्तुति रूप में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि शंकर जी तो परम वैष्णव है, इनके अंदर में तो कोई असदगुण हो ही नहीं सकता, सदमार्ग को कोई नाश कर ही नहीं सकता, बल्कि सदमार्ग को भी ये प्रशस्त करने वाले बढ़ाने वाले। इसलिए सुधा सरस्वती एक एक शब्दों को स्तुति पर अर्थ, ये स्तुति पर का अर्थ करते हैं, हैं? कहते ये स्तुति पर क्या अर्थ करते हैं, हम कल कथा को सुनेंगे क्या उन्होंने स्तुति किया, एक एक शब्दों को स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग से अभी मैं कथा सुनूंगा। ठीक है, ऋषि भोले बाबा की वंशा कल कृपा सिंधु भाई बचाओ पिता नम पावने भो वैष्णव भो नमो नमः।